इस देश में देखकर हमें कोई नहीं पहचान सकता माता, परंतु यदि भ्राता भीम का क्रोध अपनी मर्यादा तोड़ देता तो पूरा कांपेल्ले जान जाता। ये भेष हमारा मुख छुपा सकता है, स्वभाव और गुण नहीं। यदि हम प्रकट हो जाएंगे तो बड़ी समस्या होगी भीम। पितामह अवश्य हमें ढूंढकर हस्तिनापुर ले जाएंगे। जिस स्थिति का हमें भय, वही परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। हमें शीघ्र ही कांपेल्ले का त्याग करना होगा पुत्र। यहाँ स्वयंवर में कई राजा हैं। नकुल और सहदेव को उनके मामा मद्रराज पहचान जाएंगे, और यदि कृष्ण और बलराम आए होंगे तो वो अवश्य ही अर्जुन को पहचान जाएंगे। किंतु माता, मैंने नगर में सुना है कि पांचाल राज एक कठिन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ऐसी प्रतियोगिता जिसे विश्व का श्रेष्ठ धनुधारी ही जीत सकता है। अर्थात राधा अर्जुन। अवश्य पांचाल राज को राधा अर्जुन की प्रतीक्षा है माता। जिस अर्जुन ने पांचाल राज को बंदी बनाया था तो वारणाव्रत में भस्म हो गया ना कुछ। इस अर्जुन की प्रतीक्षा किसी को नहीं। तो यहां पर बात मनुष्य के स्वभाव की थी, मनुष्य के गुण की थी, कि मनुष्य चाहे कितने भी भेष क्यों ना बदल दे, लेकिन वो अपना स्वभाव, अपना जो गुण है वो कभी नहीं बदल पाता। और उसकी वजह से उसकी जो पहचान होती है वो सबके सामने आ ही जाती है। तो यही कहने की कोशिश कर रहे अर्जुन। दुर्योधन को देखकर भ्राता भीम क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए अर्जुन ने कहा कि हमने ये जो भेष लिया है उसमें हमें कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन भेष केवल हमारा मुख छुपा सकता है, हमारे गुण नहीं। तो सत्य कहा कि भ्राता भीम का जो क्रोध है उनकी वजह से दुर्योधन को पता चल जाता कि हम अभी जीवित है। और युधिष्ठिर ने भी यही कहा कि फिर पितामह को पता चल जाएगा तो फिर वो हमें फिर से हस्तिनापुर ले जाएंगे, और हमने तो ये निर्णय लिया है कि जीवन पर ऐसे ही रहेंगे, लोगों को ऐसे ही लगने देंगे कि हमारी मृत्यु हो चुकी है वारणाव्रत में। और फिर कुंती माता ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान और बलराम आए स्वयंवर में तो वो अर्जुन को पहचान जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को तो पहले से पता है, उनको वो तो भगवान है, उनको तो सब पता है, लेकिन माता कुंती को पता नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान को पता है। तो श्री कृष्ण भगवान तो जानते थे कि अर्जुन यहाँ आने वाले, इसलिए तो द्रौपदी को कहा था कि शिव मंदिर में जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। और फिर नकुल ने भी यही कहा कि पांचाल राज को भ्राता अर्जुन की प्रतीक्षा है, क्योंकि सहदेव ने कहा कि पांचाल राज ने ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसे सिर्फ विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर ही जीत सकता है, और वो केवल हमारे अर्जुन ही है, भ्राता अर्जुन ही है, उसके अलावा कौन जीत सकता है, क्योंकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो धनुर्धर है वो अर्जुन है, सबको पता है। कर्ण भी है, लेकिन कर्ण राजा नहीं है, यो युवराज में नहीं आते बड़े बड़े हस्तिनापुर से बड़े जो साम्राज्य है उसके, और वो सुत पुत्र है, इसलिए इन सबको पता है कि उनको तो स्वयंवर में निमंत्रण मिला ही नहीं होगा। लेकिन तब अर्जुन कहता है कि पांचाल राज को जिसने बंदी बनाया था वो अर्जुन तो कब का मर चुका है वारणाव्रत, सबको यही है कि मर चुका है, किसी को हमारी प्रतीक्षा नहीं। तो यहाँ पर वो भागने की बात कर रहे कि ये कांपीले छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि नियति को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, और अर्जुन वापिस आएंगे और स्वयंवर में भाग लेंगे और जीतेंगे भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।